अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द इंड्यूस करंट, जो करंट पैदा हुआ उसकी डायरेक्शन बताता है ये, विल अपियर इन सच अ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट आपको पैदा होता हुआ दिखाई देगा, सच दैट इट अपोजेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को जिस हमने चेंज किया, जिस वजह से करंट पैदा हुआ, तो करंट की डायरेक्शन वो होगी कि आपके फ्लक्स को वो अपोज करेगा। स्टेटमेंट से ये बात समझ में नहीं आती, इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लूप है, तो आप प्लीज यहां से समझें, ऑन लाइट्स ऑन करना, सारी ऑन कर दो सर। तो आपके पास एक लूप है, ठीक है, तो लेट अस सपोज आपके पास एक लूप है और इस लूप के अंदर आप बी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। फॉर एग्जांपल ये लूप है, इस लूप में आप इस डायरेक्शन में बी को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब आप इस लूप को घुमा नहीं रहे, आप बी इंक्रीज कर रहे हैं इस तरफ। अब कॉइल अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, तो इसका जब बी इंक्रीज होगा, इसका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अब ये लूप क्या कहता है, अच्छा मेरा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो मेरे को करंट पैदा करना पड़ेगा। अब करंट कैसे पैदा होगा, ये कहता है कि अगर मेरा बी इस तरफ आप इंक्रीज कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ करंट ऐसे पैदा होगा कि इंक्रीजिंग बी को ये अपोज करेगा। कैसे, ये कहता है देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके इंक्रीजिंग बी को मैं कैसे रोक सकता हूं, अपोज करने का मतलब अगर आप मेरी वैल्यू बढ़ा रहे हो मैं कम करना चाहूंगा, तो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं करंट तो पैदा कर सकता हूं, मैं ऐसे करंट पैदा करूंगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ताकि मेरा बी कहां हो जाए, इस तरफ, कि आपने मेरा बी कहां जनरेट किया था, इंक्रीज इस तरफ, तो मैं अपना बी इधर पैदा करने के लिए करंट ऐसे घुमा दूंगा ताकि आपके इंक्रीजिंग बी को मैं क्या कर सकूं, अपोज। तो करंट कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो अब आपको लगा यार बेचारा परेशान हो रहा है, मैं बी को बढ़ाता नहीं हूं, कम कर देता हूं। अब आपने इसी तरफ बी को कम करना शुरू कर दिया, अब ये क्या कहता है, ये फिर नाराज है, ऑपोजिशन है ना, इसे हाँ बोलोगे ना बोलेगा, ना करोगे हाँ बोलेगा। अब आप कहते हो ठीक है यार तेरा बी इस तरफ हम डिक्रीज करते हैं, जब आप इसका बी इस तरफ डिक्रीज करोगे कहेगा अच्छा तुम मेरा बी डिक्रीज कर रहे हो, अब मैं करंट ऐसे घुमाऊंगा कि अपना बी बढ़ा के दिखाऊंगा, तो अब तुम इसका बी इस तरफ क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो ये अब करंट ऐसे घुमा देगा ताकि इसका बी आपके डिक्रीजिंग बी की तरफ चला जाए और बी कम होने की बजाय बढ़ जाए। भाई जब तुम बढ़ा रहे थे तो ये अपना बी ऑपोजिट कर लेता है और कम करता है, और जब तुम भी कम कर रहे थे तो अपना करंट ऐसे घुमाता है कि बी को कम ना करते हुए बढ़ाने की कोशिश करता है, इसे बोलते हैं ऑपोजिशन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि करंट कैसे घुमाता है ये, अगर आप इस तरफ इस एक्सटर्नल बी बढ़ा रहे हो तो ये अपना बी इधर करेगा, और अगर आप एक्सटर्नल बी कम कर रहे हो तो ये अपना बी इधर करेगा, तो जब आप बढ़ा रहे हो तो अपना बी इधर करते हुए करंट ऐसे घुमाएगा, और अगर आप बी इधर कम कर रहे हो तो अपना बी इधर करते हुए करंट ऐसे करेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ये है लेंज लॉ। चलो उल्टा करते हैं, सपोज करो इस बार आपने बी की वैल्यू इस तरफ, और हाँ इस जो ये बी जनरेट करता है वो इंड्यूस्ड बी है, क्योंकि इंड्यूस करंट पैदा करके वो बी जनरेट करता है, वो इंड्यूस्ड बी है। तो लेट अस सपोज इस बार यहां पे इस डायरेक्शन में बी को उसने क्या क्या कम किया, तो ये क्या कहेगा, अच्छा तो मेरा बी इधर डिक्रीज कर रहे हो तो मैं भी अपना बी इधर कर लूंगा इंड्यूस, तो करंट कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमा देगा ताकि इसका बी इधर हो। लेकिन अब अगर मैं ये बोलूं कि मैंने इस तरफ बी बढ़ा दिया, इस कॉइल का एक्सटर्नल बी यहां बढ़ा दिया, अभी कहता है अच्छा तुम मेरा बी यहां बढ़ा रहे हो, मैं बढ़ने नहीं दूंगा तो मैं अपना बी इधर कर लूंगा, तो करंट कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमा देगा ताकि इसका बी आपके इंक्रीजिंग बी को अपोज कर सके। और अगर आप इधर भी कम करते हो, एक्सटर्नल बी इधर कम करते हो, तो कहते हैं अच्छा तुम मेरा बी कम कर रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो, लो मैं करंट ऐसे घुमा के अपने बी को बढ़ा लूंगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तुम अगर बी बढ़ाते हो ये कम करता है, तुम कम करते हो ये बढ़ाता है, ये चेंज पसंद नहीं करता, पर चेंज जहां होगा इसे उल्टा काम शुरू कर देना है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ये लेंज लॉ है। मैं और एग्जांपल देता हूं लेंज लॉ का, जैसे सपोज करो आपके पास सपोज एक लूप है, ऐसा ये रहा आपका लूप, ठीक है,
तो ये रहा आपका लूप ऐसे है, और आप एक मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आ रहे हो, कौन सा पोल, नॉर्थ, ऐसे। तो सोचो अब अगर आप नॉर्थ को इसकी तरफ लेके आ रहे हो और ये लूप पड़ा हुआ है तो नॉर्थ पोल इधर आ रहा है, तो ये कॉइल क्या चाहता है कि इसको पता लग गया कि तो मैग्नेट पास लेके आ रहे हो, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो ये क्या चाहेगा इसका नॉर्थ पोल पास ना आए, क्योंकि इसका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ये भगाना चाहता है मैग्नेट को। तो ये क्या करेगा, अपने यहाँ करंट ऐसे पैदा करेगा कि करंट कैरिंग लूप एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। तो अगर आपको करंट क्लॉकवाइज दिखता है तो साउथ पोल है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ पोल है। तो अगर आपका नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो ये करंट ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज कि ये वाला पोल क्या बन जाएगा, नॉर्थ। तो ये वाले पोल को ये क्या बना लेगा, नॉर्थ, नॉर्थ, और ये वाले पोल को साउथ। क्यों, ताकि नॉर्थ नॉर्थ को क्या कर सके, रिपेल, क्योंकि इसको पता है कि आपका मैग्नेट इसके फ्लक्स को बढ़ा रहा है, नॉर्थ पोल आने से इसका फ्लक्स बढ़ रहा है। तो ये करंट ऐसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ताकि ये ऑटोमेटिकली पोल नॉर्थ एक्ट करे, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करे और ये पास ना पाए। चलो आपने डिसाइड किया, चलो ऐसा करते हैं अब मैग्नेट पास आने की बजाय दूर ले चलते हैं। तो जब इसको पता लगा, अच्छा आप मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो, नॉर्थ दूर जा रहा है, तो इसका मतलब इसका फ्लक्स कम हो रहा है। अब कहता है फ्लक्स कम कैसे होगा, मैं इंक्रीज करके दिखाऊंगा। अब ये करंट कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, ताकि यहां पर ऑटोमेटिकली कौन सा पोल डेवलप कर लेगा, साउथ, ताकि साउथ नॉर्थ को क्या कर सके, अट्रैक्ट, और इसका फ्लक्स कम ना हो सके। तो जब तुम नॉर्थ पास लेके आते हो इसको पसंद नहीं, ये नॉर्थ डेवलप करके आपको भगाता है, और जब तुम नॉर्थ को दूर लेके जाते हो इसको वो भी पसंद नहीं, तो कहते हैं कि नॉर्थ दूर क्यों जा रहा है, साउथ बना के उसको अट्रैक्ट करता है। तो अपोजिशन का काम करता है, आप इंक्रीज करोगे या कम करेगा, आप डिक्रीज करोगे या बढ़ा देगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, मैग्नेट को पास लेके आओगे तो कहेगा दूर जा, दूर लेके जाओगे तो कहेगा पास आ, तो ये अपोजिशन में काम करता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, लेंज लॉ की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अपोजिशन है इसलिए जो हमने फैराडेज लॉ किया था ना उसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के आगे क्या साइन लगा था, नेगेटिव। नेगेटिव साइन का मतलब कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या करती है, अपोज करती है, ये हमेशा ऑपोजिशन में रहती है, जिसके लिए साइन क्या लगता है यहां पर, नेगेटिव। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक, ये है आपका लेंज लॉ। अब अगर आप लेंज लॉ की डेफिनेशन को फिर से एक बार देख लें तो क्या थी, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड करंट विल अपीयर इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। अब ज्यादा आसान है समझनी कि भाई करंट ऐसे पैदा होगा कि जिसने इसको पैदा किया चेंज ऑफ फ्लक्स, ये उसी को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है यहां तक,